हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मेरे भी इंटरव्यू में पूछे गए थे और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं जिनके इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिससे कि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जानने में हेल्प मिलेगी, तो आप बहुत सारे वीडियोज़ देख के कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हमारा ये था कि अगर आप ओटी के लिए, ओटी के जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आईसीयू के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेनली ओटी के लिए, ठीक है, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन को फेस करना होगा, इंटरव्यूअर आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेनली कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कशन कर रखे हैं, तो इसमें उन क्वेश्चन को छोड़ के अब और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करते हैं। मेनली आप ओटी में क्या क्या देखते हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ अलग क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जो आपके ओटी में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो वो मशीन से पूछेंगे या ओटी टेबल से रिलेटेड, कॉटरी मशीन से या क्रियास्कार ट्रॉली की ड्रग्स से रिलेटेड, या फिर आपका जो है माइक्रोस्कोपिक मशीन हो गया, न्यूरो नेविगेशन मशीन हो गया अगर न्यूरो ओटी में है तो, इमरजेंसी ओटी में है तो इमरजेंसी जो भी चीज़ें हैं ड्रग्स वगैरह मशीन सो वही होती हैं, एनेस्थीसिया मशीन, कॉटरी मशीन, ओटी टेबल, ओटी लाइट, वही डोर्स, वही रूम, उसी तरीके का सब होगा। फिर है कि अब जो है आपका क्वेश्चन उससे क्या बन सकता है, क्योंकि ओटी में गैसेज भी सप्लाई होती हैं। आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रस, वैक्यूम, मेडिकल एयर, ये सब भी सप्लाई होती हैं और सिलेंडर्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में मेनली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेनली आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल सप्लाई है, जो मेन सप्लाई आता है गैसेज का, तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर का, वैक्यूम का कैसा कलर होगा, उसका जो पाइप होगा उसका कैसा कलर होगा। आपको यहाँ पे वीडियो में दिख भी रहा होगा पीछे, तो मेनली ब्लू कलर होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, वाइट कलर होता है ऑक्सीजन का और येलो कलर होता है वैक्यूम का। येलो कलर होगा वैक्यूम का यानी सक्शन का, और ब्लैक कलर, सॉरी, जो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है उसका कलर ब्लू होगा और वाइट कलर होगा ऑक्सीजन का। अब ये है कि एनेस्थीसिया मशीन में आखिर किस टाइप के सिलेंडर अटैच करी जाती हैं, ई टाइप या एच टाइप की, तो मेनली ई टाइप सिलेंडर ही अटैच करा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होती है, तो मेनली 1590 लीटर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो ई टाइप सिलेंडर में स्टोर होता है, और वही अगर ऑक्सीजन का क्वांटिटी पूछे ई टाइप सिलेंडर में तो लगभग 660 लीटर है, अप्रॉक्स 660 लीटर उसमें होता है। और वही एच टाइप सिलेंडर का अगर आपसे पूछ दिया, मेनली यूज होता नहीं है एच टाइप सिलेंडर ओटी में, एनेस्थीसिया मशीन में वो नहीं होता, ई टाइप सिलेंडर अटैच होता है, तो एच टाइप सिलेंडर में कितना होता है, तो मेनली 15800 जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड एच टाइप सिलेंडर में स्टोर होता है। और वही अगर ऑक्सीजन का देखें तो 6900 अप्रॉक्स ऑक्सीजन एच टाइप सिलेंडर में स्टोर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1 ml जो है कितना, तो 1 ml ऑक्सीजन जो है, लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो कितना अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में आपको देगा, तो मेनली 840 ml 1 ml में इक्वल टू कितना, 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन इक्वल टू 840 ml गैसियस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है कि जो सोडा लाइम कैनिस्टर होता है, सोडा लाइम होता है एनेस्थीसिया मशीन में, उसका यूज क्या है, वो फालतू में तो उसमें पड़ा नहीं होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया मशीन में जो भी है उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, तभी वो उसमें है। तो एनेस्थीसिया मशीन में आखिर सोडा लाइम कैनिस्टर होता क्यों है, तो मेनली ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि दो मान के चलिए सर्किट है, ठीक है, आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर सर्किट होता है, दो ट्यूबिंग होती है, तो मेनली मरीज से कनेक्टेड होता है, जब मरीज इंट्यूबेट हो गया तो ये कनेक्ट रहता है, वेंटिलेट करते रहता है मरीज को, तो एक ट्यूब से मरीज सांस ले रहा है, एक से छोड़ रहा है, तो जो छोड़ रहा है उसमें क्या है, CO2 है, तो वो सोडा लाइम क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वही गैस दोबारा रिपीट होगा, मरीज फिर सांस लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर जाएगा, CO2 एब्जॉर्ब होगा सोडा लाइम में, तो यही चीज़ होता है। अगर यही जो सोडा लाइम है वो खराब हो गया, खराब होगा तो जो वॉयलेट कलर है, पर्पल कलर, पिंकिश कलर का हो जाता है, तो वो खराब हो गया, ठीक है,
तो खराब होने बाद क्या होगा उसको, अगर आप नहीं चेंज करें तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा, CO2 पॉइजनिंग हो सकता है मरीज को, CO2 रिटेंशन हो सकता है बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हर एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। HME फिल्टर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है उसका, तो हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। फिर है कि एनेस्थीसिया मशीन में क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आपको बताना है उसमें क्या क्या होते हैं, एक वन बाई वन याद करते हैं, ठीक है। सिलेंडर अटैच होता है, ठीक है, ई टाइप सिलेंडर, ऑक्सीजन और नाइट्रस का। मल्टी पैरामीटर मोनिटर होते हैं, फिर इसमें वेपोराइजर्स होते हैं, फ्लोमीटर होते हैं, ऑक्सीजन फ्लश का सिस्टम होता है, फिर इसमें वेपोराइजर्स होते हैं, सोडा लाइम होता है, सर्किट्स होते हैं, वेंटिलेटर और बेन सर्किट होते हैं, और इसमें APL वॉल्व होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेनली इतना बता दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसका यूज भी हो सके तो थोड़ा बहुत एक एक लाइन दो दो लाइन आपको याद कर लेना है। डिटेल अगर आप जानना चाहें तो और इंटरेस्ट लेके बुक्स में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब है कि वो जो सोडा लाइम कैनिस्टर आपने जाना, तो सोडा लाइम कितने अमाउंट में CO2 एब्जॉर्ब करेगा, तो मेनली वो जो है कहें तो वो कितने अमाउंट में करता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि कितने अमाउंट में सोडा लाइम, यानी मान के चलिए 1 ग्राम सोडा लाइम है, वो कितने अमाउंट में CO2 एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको ये कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें और क्या क्या होते हैं सोडा लाइम में, तो क्या क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी भी क्वांटिटी होती है, कोई 94% है, कोई 5% है, कोई 1% है, तो इसकी भी क्वांटिटी इसमें होती है। तो उतना डिटेल अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। एनेस्थीसिया मशीन और एनेस्थीसिया ड्रग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सर्जरी से और इंस्ट्रूमेंट से तो थोड़ा बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले एनेस्थीसिया आपको रट लेना है, उसका फ्लूड वगैरह देख लेना है, कौन कौन सा फ्लूड मेनली यूज होता है OT में, तो मेनली यूज होता है रिंगल लैक्टेट यानी RL या फिर NS नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू में। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इंटरव्यू में, आपके एग्जाम्स में भी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।